वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। ग्वालियर की राजमाता विजयराजे सिंधिया की गिनती आजादी से पहले और आजादी के बाद देश के कद्दावर शख्सियतों में की जाती थी। आमतौर पर बड़ी से बड़ी मुश्किल भी उन्हें परेशान नहीं कर पाती थी, मगर एक बात ऐसी थी जो उन्हें तुरंत परेशान करने के लिए काफी थी, और बात थी उनके पति जीवाजी राव सिंधिया का लंबा टाइटल। क्या है ये पूरा मामला, ये जानते हैं। राजमाता विजयराजे सिंधिया अपने पति जीवाजी राव सिंधिया के लंबे टाइटल से परेशान हो जाया करती थी। राजमाता की उम्र 22 साल थी जब उनकी शादी ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया के साथ हुई थी। उन दिनों ग्वालियर रियासत की गिनती देश की बड़ी रियासतों में होती थी। जीवाजी राव का टाइटल भी उनकी रियासत की तरह काफी बड़ा हुआ करता था। अपनी ऑटोबायोग्राफी प्रिंसेस में विजयराजे सिंधिया लिखती है कि एक साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति के साथ कई सारे ओहदे जुड़ जाने के बाद बहुत परेशानी होती है। बताते चलें कि बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के दादा जीवाजी राव ने लेखा दिव्येश्वरी देवी से शादी की थी। शादी के बाद उनका नाम विजयराजे सिंधिया हो गया था और आगे वो इसी नाम से जानी गई। जीवाजी सिंधिया का पूरा नाम काफी लंबा था। किताब के अनुसार उनका पूरा नाम राजमाता अपनी किताब में लिखती हैं कि इतने सारे ओहदों के बीच जीवाजी राव साधारण इंसान की तरह अपना जीवन बिताते थे। इनकी दिनचर्या घोड़ों, बंदूकों और अपने आप को तंदुरुस्त रखने में बीता करती थी। किताब में वो कहती हैं कि ग्वालियर के ज्यादातर शासकों ने अंग्रेजों से दोस्ती करके अपनी जनता को ही इसका फायदा पहुंचाया। अंग्रेजों के जीवन जीने के तौर तरीकों को अपनाने का रिवाज ग्वालियर में तेजी से चला। इसी कारण जीवाजी के नाम के साथ जॉर्ज भी लगता था। उनके पिता के देहांत के बाद जीवाजी की देखरेख अंग्रेजी सिविल सर्वेंट सर टेरेंस कीच की एक कमेटी द्वारा की गई थी। शायद यही कारण था कि ग्वालियर नरेश पर अंग्रेजी रहन सहन का प्रभाव देखने को मिलता था। आजादी के बाद मध्य भारत का गठन हुआ तो जीवाजीराव सिंधिया और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मित्रता की खूब चर्चा हुआ करती थी, लेकिन बाद में दोनों के रिश्तों में दूरी आने लगी थी। इस किस्से का जिक्र मध्य प्रदेश राजनीति नामा नामक किताब में पढ़ने को मिलता है जिसे दीपक तिवारी ने लिखा है। किताब के अनुसार आजाद भारत के बाद जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी। दूर दूर से लोग उनको सुनने के लिए आया करते थे। एक बार ग्वालियर में एक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में जीवाजीराव सिंधिया के अलावा सरदार पटेल और पंडित नेहरू भी पहुंचे थे। जीवाजीराव जैसे ही भाषण देने के लिए उठे तो उनके जयकारों से फिजा गूंज उठी। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू भाषण देने के लिए मंच पर आए तो किसी ने नारा नहीं लगाया। ये बात उनको इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने इसकी नाराजगी अपने भाषण में जताते हुए कह दिया कि ग्वालियर के लोग आज भी अतीत में जी रहे हैं। नेहरू की नाराजगी से जीवाजी को दुख हुआ। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं दोहराई जाएंगी। किताब के अनुसार कांग्रेसी नेताओं के भाषण से पहले जीवाजी राव मंच के इर्द गिर्द अपने लोगों को बैठा दिया करते थे, जिनकी जिम्मेदारी ताली बजाना और नारे लगाना हुआ करती थी। कहते हैं कि उस भाषण के बाद जीवाजी और नेहरू के बीच दोस्ती उनके पुराने दिनों जैसी नहीं रही थी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।